हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी मस्त है साथियों। तो चले साथियों, पहुंच चुका हूं मैं जहां से आप पैदल का रास्ता है, यहां से 5-7 मिनट का। ए बाबू, क्या नाम है? हाँ बाबू, बोलो बोलो, शाबाश, खेलो खेलो। है वाह, दर्शक भी धीरे धीरे आते हुए हैं, बिल्कुल। और साथियों, फाइनल पहुंच चुका हूं मैं मैदान में, ग्राउंड में। और अभी एक टीम आई नहीं है दिव्यो खाल के दूर से, तो उनके लिए अल्टीमेटम आ चुका है कि 5 मिनट और लेट हुए तो ओवर काटे जाएंगे। तो पहुंच चुका हूं मैं इस समय ग्राउंड में। तो यहाँ पे मंच सीढ़ीनुमा खेतों में इस समय धूप का आनंद लीजिए आप, ठंडी ठंडी हवा के साथ धूप का आनंद। और यहाँ पर इस समय एक टीम ग्राउंड में उतर चुकी है। और आज के मुख्य अतिथि यहाँ पे हमारे अध्यापक गुरु जी विनय ध्यान जी शुभारम्भ कर रहे हैं मैच का। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे। तो चलिए साथी, आप होगा टॉस, देखिए कौन सी टीम टॉस करती है। और अब टॉस होने वाला है इस समय बटरगांव वर्सेस दिव्यो खाल। देखते हैं कौन सी टीम टॉस विन करती है। तो दिव्यो खाल ने इस समय टॉस जीता और फर्स्ट बैटिंग करते हुए, तो दम खम लगाइए भाई। चलो शाबाश भाई है। तो टीम दिव्यो खाल इस समय दोनों ओपनर मैदान में। तो अभी कुछ ही क्षणों में मैच शुरू होने वाला है दोस्तों, तो बने रहे वीडियो में। और आज पहली गेंद की शुरुआत इस समय बटरगांव की ओर से, और पहले ही गेंद में आउट होने का चांस है। और पहले ही उसमें जीवन दान मिलता हुआ इस समय कीपिंग के द्वारा कैच छूट गया इस समय। और एक जीवन दान का देखते हैं आगे कितना फायदा उठाते हैं बैट्समैन। तो देखते हैं जीवन दान का कितना फायदा उठाता है ये। तो ये इस समय बहुत ही सुंदर, और यहाँ पे कैच छोड़ता हुआ इस समय, बहुत टफ कैच था पर लेकिन छूट चुका है इस समय। लगातार दोनों बैट्समैनों को जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पे। बटरगांव के प्लेयर्स आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, देखते हैं कितना खामियाजे भुगतना पड़ता है उनको। और एक बार फिर से बॉल, तीस समय साथियों, तीसरा ओवर प्रगति पे। और यहाँ पे दिव्यो खाल की काफ़ी अच्छी स्थिति, 30 रन हो चुके हैं इस समय। और यहाँ पे एक बार फिर कैच हवा में, और देखते हैं, और इस समय बैक टू बैक कैच छोड़ते हुए दिव्यो खाल की टीम लगात इस समय तक 4 कैच छोड़ चुके हैं बटरगांव की टीम। और दिव्यो खाल का अभी तक इस समय नहीं तो 4 विकेट डाउन हो जाते हैं, अभी तक ओपनिंग जोड़ी जमी हुई है। और यहाँ पे दिव्यो खाल की टीम पूरी शाबाश। उनमें फाइनल में थोड़ा मिले यार, ले 6 रन लौंडे कजम। अरे वाह, एक और छक्का लगातार, बैक टू बैक 2 छक्के। और इस समय बटरगांव से बॉलिंग चलता हुआ, बहुत ही तकड़ी बॉल इस समय, एक मात्र बॉलर कालू भाई जो अभी तक पिटाने ही 3 बॉले कर चुका है। देखते हैं अगली बॉल में क्या रहता है स्कोर। और बहुत ही अच्छा उठा दिया, देखते हैं कैच होता है कि नहीं। ओ यहाँ पेड़ पे लगता हुआ इस समय। यहाँ पे 2 रन के लिए। और लास्ट ओवर इस समय जी सिंह
ये देखो भाई साहब, ये दूसरे कैच संभाल ले, बहुत ही खुशी हुई टीम में। और अपने भाई इस समय शायद 50 लगे गए, बहुत अच्छा योगदान अपने टीम। और अब कैप्टन देवो खाल से इस समय अमित भाई जाता हुआ है, जिनके नाम इस ग्राउंड में 5 शतक पहले से है मौजूद। ये इस समय पहली बॉल में आउट, आज दिन शायद अच्छा नहीं था। बहुत ही सुंदर शॉट यहाँ पे जी सिंह के द्वारा, देखते हैं क्या होता है। 6 रनों के लिए यहाँ पे पहली सिक्स जी सिंह के बल्ले से बडरगांव की ओर से, बहुत सुंदर। और देव खाल से अविनाश इस समय बॉलिंग करते हुए, देखते हैं। और 4 रनों के लिए पहली गेंद, 4 रन के लिए, बहुत ही सुंदर बडरगांव की ओर से। दूसरी गेंद में देखते हैं राहुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहाँ पे 2 रन, और क्लीन बॉल यहीं पे, दूसरा विकेट गिरता हुआ बडरगांव की ओर से, एक चौका मारने के बाद। देखते हैं अब अगला बैट्समैन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चार 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 बॉल दिया। और मात्र अब इस समय औपचारिकता रह गई इस मैच में, और एक तरफा विन करते हुए इस समय देवो खाल की टीम फील्डिंग साइड से, बडरगांव की टीम लास्ट ओवर। जी सिंह बॉल 6 रनों के लिए जा सकता है, वाह पहले ही भविष्यवाणी, और 6 रन इस बैट्समैन को पहले क्यों नहीं भेजा भाई है। इसी के साथ एक बॉय लगातार 2 छक्के मारता हुआ यहां पे प्रधान, ये थोड़ा 4 रन। और इसी के साथ मैं समाप्त, और इसी के साथ देवो खाल टीम ने ये विन करती हुई, और यहां पूरी टीम देवो खाल की बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे खिलाड़ी के लिए इस समय खाना बनता हुआ, जो दूर से आई वही खिलाड़ी है। अब लैंसडाउन अगला मैच, लैंसडाउन और धड़गांव की टीम खेलेगी। तो एक वीडियो यहीं तक बनाते हैं, देवो खाल वर्सेस बडरगांव का मैच आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया साथियों। तो ठीक है, बाय बाय।